हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 6 जनवरी और 7 जनवरी के अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और आपको पता होगा कि इसी तरीके से हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोज़ को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी, जो कि आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे बैंकिंग के, SSC का, आपको पता है CGL की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है, इसके अलावा रेलवे के भी एग्जाम्स जो चल रहे हैं अभी NTPC के, उनमें आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। तो आप इन वीडियोज़ को जरूर देखा करें। इसके लिए आप सिंपली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते चलें। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, आज पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे रेवाड़ी मदार फ्राइट कॉरिडोर सेक्शन टुडे। तो रेवाड़ी से मदार के बीच का जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जिसे बनाया गया, आज उसे पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे। ये 306 किलोमीटर की लेंथ का है, जो कि बेसिकली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के अंदर बनाया गया है। और इसके अंदर जो राजस्थान और हरियाणा के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वो भी प्रेजेंट रहेंगे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। इसके अलावा जो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल भी, ठीक है। इसके अलावा वो वर्ल्ड का पहला डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबा कंटेनर ट्रेन भी इनॉग्रेट करेंगे, जो कि न्यू अतेली से लेके न्यू किशनगढ़ के बीच में चलेगा, ठीक है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको पता है, मैंने आपको कुछ दिन पहले के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि 29 दिसंबर को पीएम मोदी ने इसी तरीके से भोगपुर और खुर्जा के बीच में ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर को भी इनॉग्रेट किया था। उसकी लेंथ थी 351 किलोमीटर, और अब जो आज करने जा रहे हैं उसकी लेंथ है 306 किलोमीटर। तो अब दोनों को ही नोट डाउन कर ले। और मैंने आपको बताया कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बेसिकली क्या होते हैं, जो सिर्फ जो माल गाड़ियाँ होती हैं जो सामान ले जाने के लिए यूज़ होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए इन ट्रैक्स को बनाया गया है। वैसे क्या होता है, आप आम देखते होंगे कि जो जिन ट्रैक्स पे पैसेंजर ट्रेन चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उन्हीं पर ही जो है ये जो माल गाड़ियाँ होती है, फ्राइट ट्रेन, वो भी उसी पर चला करती थी। और इससे क्या होता था कि आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किन्हें मिलती है, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है फिर पैसेंजर ट्रेन इनको, तो इसकी वजह से जो है सामान वाली ले जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें काफ़ी डिले हो जाता था, और ऑब्वियसली बात है ओवरऑल जो टाइम लगता था वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता था। तो इसलिए जो है इसको रिड्यूस करने के लिए, इस टाइम को, ये डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं सिर्फ फ्राइट के लिए, यानी सामान को ले जाने आने के लिए। और उसमें मैंने आपको बताया, एक जो है 29 दिसंबर को भोगपुर और खुर्जा के बीच में वो ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर था, इसकी लेंथ थी 351 किलोमीटर, और इसी तरीके से ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है के अंदर है, जिसकी लेंथ है 306 किलोमीटर। ये है रेवाड़ी से लेके मदार के बीच का ये स्ट्रेच है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर ले। आगे अगर बात करें तो यूनियन बजट जो है वो 1 फरवरी को उसे रखा जाएगा एमिट कोविड-19 पेंडेमिक। तो देखिए जो बजट है वो हर बार की तरह इस बार भी 1 फरवरी को उसे प्रेजेंट किया जाएगा। ये बात ठीक है, ये कोविड-19 पेंडेमिक है, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को ध्यान में रखते हुए इसको, इस बजट सेशन को कंडक्ट किया जाएगा। तो इस पर बात कर लेते हैं। द यूनियन बजट विल बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी, और उससे पहले जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है वो एड्रेस करेंगे दोनों ही हाउसेज जो है, लोकसभा और राज्यसभा को, 29 जनवरी को, जो हमेशा की देखिए हर साल होता है ये चीज़। बजट से पहले जो है प्रेसिडेंट जो है वो दोनों ही हाउसेज जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को, जॉइंटली एड्रेस करते हैं। और जो बजट सेशन है पार्लियामेंट का वो दो पार्ट्स में होगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो यूनियन मिनिस्टर एट प्रेजेंट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने बताया कि जो पहला फेज है बजट सेशन का वो होगा 29 जनवरी, जिस दिन प्रेजिडेंट एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेज को। 15 फरवरी को ये कंक्लूड होगा, जबकि जो दूसरा फेज है वो स्टार्ट होगा मार्च 8 से लेके अप्रैल 8 तक। और जो डिसीजन है इसे लिया है कैबिनेट कमेटी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की है, CCBA उसने, ठीक है। तो दो पार्ट्स में ये होगा बजट सेशन, आप इनकी डेट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। और जो पहला फेज रहेगा, यानी जो जनवरी 29 से लेके 15 फरवरी तक का, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी बिल्स है, ऑर्डिनेंसीज है, उनको लिया जाएगा, उन्हें उन पर डिस्कशन की जाएगी पहले फेज के अंदर, ठीक है। जिसे आप नोट डाउन कर लें। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, आज इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग होने जा रहा है न्यू दिल्ली के अंदर, और ऑलरेडी फ्रेंच डेलीगेशन जो है वो भारत आ चुका है इसके लिए, ठीक
ठीक है। सो इंडिया एंड फ्रांस विल कंडक्ट देयर एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग, यानी हर साल एक इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस बार ये जनवरी 7 यानी आज न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और फ्रेंच डेलीगेशन जो है वो ऑलरेडी इंडिया आ चुका है इसके लिए, और भारत की तरफ से इसे लीड कौन करेगा, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल विल बी लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन फॉर द डायलॉग। और जबकि फ्रेंच साइड से जो है डिप्लोमेटिक एडवाइजर जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट के इमैनुअल बोने, वो इसे लीड करेंगे या इसे मेन चेयर करेंगे। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट के थ्रू बताया दैट द टू साइड्स विल होल्ड डिस्कशंस ऑन वेरिड बायलेटरल एंड ग्लोबल इशूज। तो जितने भी भारत और फ्रांस के बीच के बायलेटरल और जो भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशूज है उन पर डिस्कशन की जाएगी इस मीटिंग के अंदर। ठीक है, और इसका जो पिछला एडिशन था, मैंने आपको जैसे बताया हर साल इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो पेरिस के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी 2020 के अंदर, और अब जो है इसे जनवरी 7 को न्यू दिल्ली के अंदर इस बार इसे होल्ड किया जा रहा है। और ठीक है, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर ले कि भारत की तरफ से इसे लीड कौन करेंगे, अजीत डोवल, और फ्रेंच की तरफ से, फ्रेंच साइड की तरफ से जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर है फ्रेंच प्रेसिडेंट के इमैनुअल बोने, वो इसे लीड करेंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने $105 मिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन किया है, बेसिकली टू इम्प्रूव वाटर वेज इन वेस्ट बंगाल। तो वाटर वेज जो है वेस्ट बंगाल के अंदर, खासकर कोलकाता में, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसे एनहांस करने के लिए ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है $105 मिलियन का। सो द वर्ल्ड बैंक हैज साइन अ $105 मिलियन प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू इम्प्रूव द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। और जो बेसिकली जिसको देखने वाली जो बॉडी है, बेसिकली द वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, बेसिकली ये तो पैसेंजर और फ्राइट मूवमेंट को जो है, खासकर जो हुगली रिवर के थ्रू जो भी बिजनेस होता है और जो पैसेंजर्स जाते हैं उसको काफ़ी हद तक एनहांस करेगा, इम्प्रूव करेगा, और जो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसकी एक्सेसिबिलिटी भी ये बढ़ाएगा, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ के रेजिडेंट्स की, और जो ग्रोथ है वहाँ के लॉजिस्टिक सेक्टर में भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर ले, तो ये अमाउंट कितना है $105 मिलियन का, और बेसिकली एम है वेस्ट बंगाल के अंदर खासकर कोलकाता के वाटर वेज को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है वहाँ का वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि चाहे पैसेंजर्स जो रिवर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, जो सामान ले जाने आने के लिए जो मूवमेंट होती है उनको और ज़्यादा एनहांस किया जा सके। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, जस्टिस हीमा कोहली की टू बी स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तो आज वो शपथ लेंगी तेलंगाना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे। ठीक है, और गवर्नर जो है वहाँ के डॉक्टर तमिलीसाई सुंदर राजन, ठीक है, वो इस ओथ को एडमिनिस्टर करेगी एट द राजभवन इन हैदराबाद। ठीक है, इससे पहले अगर बात करें तो जस्टिस हीमा कोहली जो है जज रह चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट की, और वो पहली वुमेन चीफ जस्टिस होने जा रही है तेलंगाना हाई कोर्ट की। ठीक है, क्योंकि आपको तेलंगाना अभी कुछ टाइम पहले ही फॉर्म हुआ है, तो तेलंगाना की पहली वुमेन चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस हीमा कोहली होने जा रही है, और जो अभी एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाई कोर्ट के आर एस चौहान, उन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड के तौर पे। ठीक है, तो उनकी ट्रांसफर कहाँ पे हुई है, झारखंड के चीफ जस्टिस के तौर पे, जबकि अब तेलंगाना को कौन हेड करेगा, तेलंगाना कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे हीमा कोहली। ठीक है, तो आज वो शपथ लेंगे, उसे कौन एडमिनिस्टर करेगा, जो वहाँ के गवर्नर है डॉक्टर तमिलीसाई सौंदर्य राजन, ठीक है, राजभवन के अंदर, और फिर वो आज से इसका चार्ज संभाल लेंगी तेलंगाना हाई कोर्ट का। ठीक है, आप इनके फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एक बार जल्दी से पीछे चलते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने इससे पहले के करंट अफेयर्स देखे। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर ले, $105 मिलियन का जो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट साइन किया है वेस्ट बंगाल के साथ वहाँ के वाटर वेज को इम्प्रूव करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था जो आज एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग होने जा रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जहाँ पर जितने भी इंडिया और फ्रांस के बीच के बायलेटरल और जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशूज है उन पर डिस्कशन होगी, भारत की तरफ से इसे लीड करेंगे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर ये कौन ये इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इससे पिछला जो एडिशन था 2020 का उसे पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था यूनियन बजट के बारे में, जिसे फरवरी 1 को रखा जाएगा, और इस बार बेसिकली इस पूरे सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो पहला है वो जनवरी 29 से फरवरी 15 तक रहेगा, और दूसरा जो पार्ट है या दूसरा फेज जो है वो मार्च 8 से लेकर अप्रैल 8 तक रहेगा, और आखिरी में आज जो है इस वक्त तक तो देखिए पीएम मोदी ने इनाग्रेट कर भी दिया इसको, रेवाड़ी और मदार के बीच का जो फ्राइट कॉरिडोर सेक्शन है, जो कि पर्टिकुलरली सामान ले आने जाने वाली मालगाड़ियों के लिए इसे बनाया गया है, ताकि उसकी स्पीड को इम्प्रूव किया जा सके और जल्द से जल्द
क्योंकि डेडिकेटेड कॉरिडोर है इस पर, तो बाकी ट्रेन इस सेक्शन पर, इस स्ट्रेच पर नहीं चलेगी, ठीक है। तो इससे पहले भी इसी तरीके से भोपुर और खुर्जा के बीच में ये ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर भी पीएम मोदी ने डेडिकेट या इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com। अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ कोर्सेज मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, तो आपको काफ़ी चीप रेट्स में जो है उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।